आज हम कुकर में मटर मशरूम पनीर बनाएंगे, वो भी झटपट से, बिल्कुल मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा और वो भी घर के बेसिक मसालों के साथ। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। से पहले हम कुकर लेंगे और कुकर में हम ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल लिया है हमने, आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। और हमने दो प्याज लिए हैं, 8 से 10 कलियाँ हमने लहसुन के लिए, 1 इंच अदरक लिया है, इन सबको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और हम इसमें जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून, और हम इसमें बेल लीफ और दालचीनी डालेंगे, तेजपत्ता और दालचीनी डाल देंगे। इसको हल्का सा रोस्ट होने देंगे और चॉप किया हुआ प्याज लहसुन अदरक डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छे से भून लेना है हमें, सभी मसालों को भूनते समय हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है। और प्याज लहसुन हमारा भून चुका है, आधा प्याज स्लाइसिस में कट किया हुआ और डालेंगे इसके अंदर। देखिए इसको भी अच्छे से भून लेंगे, देखिए अब ये भी अच्छे से भून चुका है। और अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला डालेंगे और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इन मसालों को फिर से अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से मसालों में पानी से मसाला बहुत अच्छे से भुन जाता है, क्योंकि मसाला अच्छे से गीला हो जाता है और मसाला बहुत अच्छे से धीमे धीमे भुनता है। और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जिससे कि मसाले बहुत अच्छे से भुन जाए। और जब तक हम मशरूम को कट कर लेते हैं, देखिए ये मशरूम को हमने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ है। और अब हम इसको देखिए ऊपर से इस तरीके से इसको निकाल देंगे, ये थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है ऊपर के ये, तो इसको हम कट कर लेंगे। और एक मशरूम के हमें 4-4 पीसेस कर लेने हैं। अगर थोड़ा बड़ा साइज का मशरूम है तो उसके 4 पीसेस कर लीजिए, अगर मशरूम बहुत छोटा है तो उसके 2 पीसेस कर लीजिए, क्योंकि मशरूम कुक होने के बाद और भी छोटा हो जाता है। देखिए हमने सभी मशरूम्स को कट कर लिया है। और हमने थोड़े से मटर लिए हैं और थोड़ा सा हमने पनीर लिया है। और देखिए इधर मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। एक बार और इसको अच्छे से चला देंगे। और अब हम इसके अंदर 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक क्रश कर लिया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे बहुत अच्छे से। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और फिर से थोड़ा सा ढक्कन लगा के रख देंगे इसको, हमें लिड लगाना नहीं है, बस ऊपर से ऐसे ही ढक लेना है। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, अब देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है। मसाला जब तक अच्छे से नहीं भुनेगा तब तक मशरूम मटर पनीर का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। और मसाले भूनते समय इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस समय, तो इसलिए मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर चॉप किए हुए मशरूम डाल देंगे, देखिए हमने सभी मशरूम्स को कट कर लिया है, अब वो हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें साथ में ही मटर डाल देंगे और पनीर को भी डाल देंगे, इन तीनों चीज़ों को हमें एक साथ डाल देना है और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम इसको भी डाल के भी अच्छे से भून लेना है 2 मिनट के लिए। और भूनते समय हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। और अब इसको हम थोड़ा सा कलर देने के लिए रेड चिली पाउडर डाल दें, देगी मिर्च 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और 2 लाल मिर्च डालेंगे साबुत। अब हम इसमें मशरूम का और स्वाद बढ़ाने के लिए हमने लहसुन की पूरी एक गांठ ली है, उसको हम इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से हमें साबुत डाल देना है इसमें, इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा इस तरीके से, एक बार आप डाल के देखिए बहुत अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी डाली है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इसको। देखिए अभी अच्छे से मसाले सभी भुन चुके हैं और मशरूम ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया, क्योंकि मशरूम में पानी बहुत ज़्यादा होता है। मटर मशरूम पनीर को इस तरीके से भी बना सकते हैं बिना पानी के, आप बस इसमें एक विसल लगा दीजिए तो हल्का ड्राई आपका मशरूम मटर पनीर बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड ही चाहिए, इसलिए मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। भी आप पानी डालो, गर्म ही डालिएगा किसी भी सब्जी में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसकी हम लिड लगा देंगे। 1 विसल आने तक हम इसको कुक करेंगे, पूरी गैस रिलीज हो जाएगी, उसके बाद हम कुकर खोल के चेक करेंगे। देखिए अब वो हमने कुकर खोल लिया है, देखिए मशरूम मटर पनीर बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
एक बार आप इस तरीके से बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मशरूम मटर पनीर की सब्जी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम इसके ऊपर चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे। देखिए सब्जी बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए। देखिए इसको अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी मशरूम पनीर बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मशरूम बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है, मन कर रहा है ना आपका भी खाने का, तो कुकर में एक बार आप झटपट से बना के देखिए। मशरूम पनीर बहुत अच्छा बनता है और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। ओके, बाय, थैंक यू।